मित्रों, नव्वे अपने दादाजी के साथ गांव गया। उसने पहली बार गांव देखा था। वो गांव देखकर बहुत खुश हुआ। वो अपने दादाजी के साथ खेत देख रहा है। आओ देखते हैं उसे कैसा लग रहा है। दादाजी, खेत में गन्ने लगे हैं। हाँ बेटा, वो देखो, ट्रैक्टर द्वारा खेतों में जुताई हो रही है। दादाजी, क्या गांव में शहर की तरह पक्की सड़क नहीं होती? गांव में कच्ची सड़कें होती हैं। खेतों के बीच बने इन रास्तों को पगडंडी कहते हैं। दादाजी, वो स्त्री गन्नों का गट्ठर ले जा रही है। नव्वे और दादाजी ने अपनी बात कहने में मुंह से अनेक ध्वनियां निकाली, जैसे खेत, गन्ना, सड़क आदि। ये ध्वनियां अलग अलग ध्वनियों का समूह है। इन ध्वनियों को अलग अलग करके देखते हैं। ख जमा ए जमा त जमा अ खेत, ग जमा अ जमा न जमा आ गन्ना, स जमा अ जमा ड जमा अ जमा क जमा अ सड़क। जब ध्वनियों को लिखते हैं तो व्याकरण में इन्हें वर्ण कहते हैं। हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निश्चित क्रम से बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण हैं। अब मैं चलता हूँ प्रिया और अंकुर के घर, उन्हें भी वर्ण सिखाने हैं। आओ आओ गोल्डी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? यह देखो, भैया को बुआ जी ने गिफ्ट दिया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या है। यह तो बहुत प्यारा उपहार है। ये वर्णमाला के वर्ण हैं। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। अब और भी मजा आएगा। जो वर्ण मैं बोलता जाऊं उन्हें उठाकर रखते जाना। हम पहले स्वर वर्ण रखेंगे। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। हमने 11 स्वर और 33 व्यंजन सजा दिए, ये कौन से बच गए? ये भी वर्ण हैं। इनके बारे में भी बताता हूँ। इन्हें बोलते हैं अंग अह, ड ढ, अंग अह। ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और न ही व्यंजन। फिर इनका क्या नाम है? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ड ढ वर्णमाला में आए नए व्यंजन हैं। देखो देखो, वर्णमाला के साथ कितना सुंदर हाथी भी बन गया। हमने जो सीखा उसको दोहराते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां अर्थात आवाजें निकलती हैं। इन ध्वनियों को हम कुछ चिन्हों द्वारा लिखते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण 11 हैं और व्यंजन वर्ण 33 हैं। अंग अह ऐसे वर्ण हैं
जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ड़ वर्णमाला में आए नए व्यंजन।